बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद की मौजूदगी में बसपा कार्यालय में मचा हंगामा। राजस्थान में आगामी चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की आंतरिक कलाजग जाहिर हो गई है। पार्टी के दर्जन भर नेता जिला कार्यकारिणी से जुड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एक तरफ पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से पार्टी जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के इस्तीफे से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम का कहना है कि इन नेताओं को पहले ही पदों से हटा दिया गया था। बीते रविवार को प्रदेश के कार्यालय में कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें रामजी गौतम और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और आक्रोशित बसपा नेताओं को बाउंसरों की मदद से पार्टी कार्यालय से बाहर निकाला गया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में जिला अध्यक्षों समेत विभिन्न कार्यकारी सदस्यों के नाम शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर पंचायत चुनाव में टिकट के बदले पैसा मांगने और मनमानी से टिकट देने व वरिष्ठ नेताओं से भेदभाव का आरोप लगाया है। इसमें पार्टी नेताओं ने कहा कि 2008 में मौजूदा पंचायती राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पार्टी को धोखा दिया। इसके बाद 2018 में उन्हें टिकट दिया और उन्होंने दोबारा धोखा दिया, जिससे कार्यकर्ताओं का काफ़ी मनोबल टूट गया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी पार्टी ने राज्य के लिए दो प्रभारी नियुक्त की है, पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और सुरेश आर्य। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी राजस्थान में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। इस समय जून के महीने में पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 75,000 नए सदस्यों को जोड़ने के लिए राज्य में सदस्यता अभियान शुरू किया था। वहीं सूत्रों की माने तो पार्टी ने 200 में से कम 50 सीटों पर कड़ी मेहनत कर रही है। इससे पहले 2008 में और 2018 के चुनाव में बसपा ने 6 सीट जीती थी, दोनों ही मौके पर उसके विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं 2003 में 2 और 2013 में 3 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज, दस्तक।